दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों आईपीएल 2020 का आगाज हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में। और दोस्तों आज टीम आरसीबी को लेकर यहां तीन बहुत बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने टीम आरसीबी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आरसीबी फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी आरसीबी के बड़े फैंस और वेट कर रहे थे आईपीएल 2020 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों बात करूँ पहली गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आ रही है आरसीबी के फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि टीम आरसीबी अपना अगला मुकाबला 10 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों इस मैच के लिए टीम आरसीबी के फ्रेंचाइजी ने मोइन अली और क्रिस मॉरिस को शामिल करने के लिए अपील किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अब इन दोनों ऑलराउंडर को टीम में शामिल करने का समय आ गया है और इन दोनों की अनुपस्थिति अब टीम आरसीबी के लिए नुकसान ही पहुंचाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही डिसीजन है। और दोस्तों क्या इन दोनों को आरसीबी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट करके हमसे अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों बात करूँ दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आ रही है टीम आरसीबी के हेड कोच साइमन कैटिज की तरफ से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टीम आरसीबी अपने खेले गए 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले हार चुकी है और ये अब आरसीबी के लिए चिंता का विषय बन गया है। दोस्तों पिछले मुकाबले में जिस तरह से आरसीबी खेली थी वो भी चिंता का विषय बन। तो दोस्तों साइमन कैटिज का कहना है कि जिस तरह की तैयारी के साथ आरसीबी अपने नेक्स्ट मैच के लिए उतरेगी, उसे देखकर लग रहा है कि ये मैच आरसीबी ही जीतने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आज के प्रैक्टिस मैच में साइमन कैटिज ने अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करवाई है और काफ़ी बड़े बड़े टारगेट भी रखे थे और खिलाड़ियों ने उनको अचीव भी किया है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर है कि आरसीबी के खिलाड़ी अपने नेक्स्ट मैच के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पर आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करूँ आज की आखिरी और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। दरअसल दोस्तों करंटली महेंद्र सिंह धोनी का अभी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें कि इन्होंने आरसीबी के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों आप जानते ही हैं कि 10 अक्टूबर को आरसीबी और सीएसके का मुकाबला होने वाला है। और तो दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहा सीएसके का आईपीएल 2020 में सफ़र काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है और उसके मुकाबले टीम आरसीबी भले ही अपना पिछला मुकाबला हार चुकी हो, लेकिन वो सीएसके के खिलाफ पूरी मेहनत से मुकाबला करेगी और सीएसके की टीम यहाँ डरेगी नहीं और उनका डट कर मुकाबला करेगी। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि आरसीबी को हराना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में किस टीम की जीत हो सकती है, आरसीबी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? दोस्तों आप हमसे अपनी राय शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये तीन बहुत बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही थी आरसीबी की तरफ से, जिसके के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी आरसीबी के बड़े वाले फैंस तो हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let's freeze up.